गांड में इन लोगों ने मौलाना का लंड लिया हुआ होता है और इनकी आवाज ऐसी निकल रही होती है। सो आप लोगों के लिए नहीं, मैं पाकिस्तान से ही हूँ, ठीक है ना, आप जितना अपने आपको तसल्ली देने के लिए कर लो ना, नहीं नहीं ये तो इंडिया की एजेंट है, नहीं तो ये इंडिया से है, नहीं मैं आपके पाकिस्तान से ही हूँ, इसी वजह से मैं ना आप लोगों की जो ना नस्ल से और आप लोगों की असलियत से वाकिफ हूँ। तो बहन चौदह मेरे पाकिस्तान में बॉर्न होने का लैंड, तुम लोग यहाँ के जो बकवास करते ना इंडिया से है ये, तू तो झूठ बोलती है, तू तो झूठ बोलती है। तो आज मिलवाने वाले हैं आपको पाकिस्तान की एक ऐसी लड़की से जो कि मौलाना की बोलती बंद कर देती है और मौलाना उससे बहुत डरते हैं। तो क्यों डरते हैं, तो चलिए वीडियो में जानते हैं। जी आते साथी गालियां, थैंक यू गेट फक ऑफ हाफिज, इधर तू इधर हाफिज, ये होते हैं हाफिज भैया। आते साथ ही इन्होंने अपनी गांड पेश कर दी है हमको, तो हम इन्होंने कहा है कि देखो हम, मुझे बड़ी आदत है गांड मरवाने की, तो मैं यहाँ भी आ गया गांड मरवाने। मगर हाफिज ओ खौश और यासीन ना, हम गांड नहीं मारते हैं, वो आपकी मौलवियों की हरकतें हैं, हम नहीं करते। वो बोली ओ भाई ओ रहीम खान जादू, पहले जाकर ना तुम अपने मौलानाओं का लंड ना जो है ना उनके पेंटों के अंदर वापस डालो, ठीक है ना, फिर आके मुझको यहाँ पे ना इस्लाम और पाकिस्तान का दरस देना, पहले तुम अपना घर तो साफ कर लो, घर में तुम्हारी टट्टी पड़ी हुई है और तुम आके मेरे को लेक्चर दोगे, आप इंडिया में पैदा हुए। तो बहन चौदो मेरे पाकिस्तान में बॉर्न होने का ना ये मेरे कनेडियन पासपोर्ट में लिखा हुआ है, तो बहन के लंड, तुम लोग यहाँ के जो बकवास करते ना इंडिया से है ये, तू तो झूठ बोलती है, तू तो झूठ बोलती है, गांड में इन लोगों ने मौलाना का लंड लिया हुआ होता है और इनकी आवाज ऐसी निकल रही होती है। सो आप लोगों के लिए नहीं, मैं पाकिस्तान से ही, ठीक है ना, आप जितना अपने आपको तसल्ली देने के लिए कर लो ना, नहीं नहीं ये तो इंडिया की एजेंट है, नहीं तो ये इंडिया से है, नहीं मैं आपके पाकिस्तान से ही हूँ, इसी वजह से मैं ना आप लोगों की जो ना नस्ल से और आप लोगों की असलियत से वाकिफ हूँ, मैं जानती हूँ अपने लोगों को, जब ही तो मैं पे बोलती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ पाकिस्तान एक अच्छा मुल्क बने, पाकिस्तान एक कंट्री के हिसाब से, पाकिस्तान की तो कोई गलती नहीं है ना कि उनको चूतिया लोग मिल गए, वहां रहने वाले चूतिया, तो चंद सब नहीं, चंद लोग पॉलिटिशियंस चूतिया, यू नो, सो सारे पॉलिटिशियन सारे चूतिया और गांडू एक नंबर के, मौलवी चूतिया गांडू वो भी सारे, इक्का दुक्का छोड़ कर कान बचा के रखना मौलवियों से अगर आप वहां जा रहे हो, ठीक है ना। वो आता है कि हर मौलवी, आप सारे मौलवियों को क्यों बदनाम कर रहे हैं, एक दो मौलवियों ने ऐसा कर दिया तो आप सारों को क्यों हमारे उलमा को बदनाम कर रहे हैं, मैं भैन चौदो भैन के लंग, जब लड़की छोटे कपड़े पहनती है बहन चौदह, तो तुम लोग कहते हो कि हर लड़की जो छोटे कपड़े पहनती है वो रंडी है, वो गश्ती है, तो तुम्हारे भी सारे मौलाना ठोकू हैं, गांडू हैं, टिट फॉर टैट, जैसा आप बोलोगे ना वैसे ही आपके मुंह पे वैसे ही जमाट पड़ेगा। हाँ नहीं, हर लड़की जो छोटे कपड़े पहनेगी ना वो रंडी है, वो प्रोस्टिट्यूट है, वो खराब है, मगर मौलानाओं पर जब बात होती ना तो सारे मौलाना तो ऐसे नहीं होते ना, सारे भैया पूरी दुनिया में जिनसी ज्यादती और वो भी बच्चों के साथ, उसको इतना बुरा माना जाता है, जब क्रिश्चियंस यहाँ पर पास्टर्स और तो इतना बुरा माना जाता है, तो पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ के ये लौंडे आकर ना सपोर्ट कर रहे होते हैं अपने मौलानाओं को, या तो इनकी गाने भी ठुकी हैं या इनके लवर्स जो है ना चाहने वाले वो मौलवी है, इसी वजह से ना कह रहे हैं हाय हमारे मौलवी साहब ना पकड़े जाए फिर हमारी गांड कौन ठोकेगा। आप क्या हुकूक देते हो अपने मुल्क में, हाँ गेज और लेस्बियंस को क्या हुकूक देते हो, छोड़ो उसकी बात भी छोड़ो, आपके मुल्क में आपके इस्लाम में कौमे लूत का है, आपके लिए तो गेइज्म और लेस्बियनिज्म तो हराम है, हराम है, और जो इस्लाम के ठेकेदार बैठे हैं वहां पर जिन्होंने सारा इस्लाम अपनी गांड के अंदर डाला हुआ है और सबको हर वक्त बैठ के फतवे दे रहे होते हैं, तो वही लोग ये जब हरकतें कर रहे हैं तो आपको नहीं दिखती, नहीं तब आपकी आंखें बंद हो जाती हैं, राइट, उस वक्त आप जो है ना इन लोगों, जब तक आपके बच्चों के साथ, किसी के बच्चे के साथ ऐसा ना हो, मैं कभी ये नहीं कहती, मगर ये जो कुत्ते आके यहाँ पे लिख रहे होते हैं ना, जब तुम्हारी छोटी बेटी या तुम्हारी छोटी बहन या छोटा भाई या छोटा बेटा, उसके साथ जब ऐसी हरकत होगी ना, तब तुम लोगों को पता चले। अच्छा क्या कह रहे हैं, तेरी माँ की जो देखने आते हैं रंडी, अच्छा क्यों तुम्हारी माँ की, क्या मौलवी ले रहा है, माँ अपनी माँ की नहीं देख सकते, क्यों उसको मौलवी रेंट करके ले गए, अपनी माँ की देख लो, निकल के तो वहीं से आए थे तुम, उस वक्त नहीं देखी थी तुमने, या पिछवाड़े से पैदा हुए थे तुम, सभी पिछवाड़े की पैदावार है, गांडू पैदावार, ये देखो ये कारी जी हैं, इन्होंने ये बयान किया है और मैं उर्दू पढ़ रही हूँ, ये हमारा अपना मदरसा है, 10 में से 8 मौलवी हमने इसी मौलवी अजीजुल रहमान वाले जुर्म में मदरसे से निकाले, अब हमने नई शर्त रखी कि मौलवी अपनी बीवी साथ लाएं, बीवी साथ रखने के बावजूद ये बाज नहीं आते हैं, इनको लत लग गई है, लगी होती है, कारी हनीफ ने कहा है, और उसके बाद
तो आपने वीडियो में देख ही लिया होगा कि मौलाना उस लड़की से भाई क्यों डरते हैं, क्योंकि उस लड़की ने जो है मौलाना की बोलती बंद कर दी। और भाई मौलाना से ऐसे उल्टे सीधे जवाब देना भी किसी की हिम्मत नहीं है इतनी किसी में भी जो मौलाना को कुछ कह सके। लेकिन इस लड़की में देखो कितनी हिम्मत है, बिना डरे बिना कुछ बिना अटके उसे कितना सुना दिया मौलाना को भी। मौलाना तो बेचारा ये सुनकर बिल्कुल रोने ही लगा होगा। तो भाई मुझे तो इस लड़की की बातें बहुत ही अच्छी लगी, क्योंकि इसने इतनी हिम्मत लगा दी भाई मौलाना को इतने सुनाने में, भाई मुझे तो बड़ा मज़ा आया। तो आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।